क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, इसमें हम लोग को ध्यान रखना है कि फर्स्ट जो पॉइंट है 3.1, व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स, यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इन 1800 देयर वाज 31 एलिमेंट्स वर नोन, इन 1865 द नंबर वाज रेज्ड टू 63 एंड एट प्रेजेंट अराउंड 114 एलिमेंट्स आर नोन, बट इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी ऑल द एलिमेंट्स सेपरेटली, दैट्स व्हाई साइंटिस्ट वर ट्राइड टू अरेंज देम इन ए टेबल, ओके, जैसे हम लोग कोई पढ़ाई की कोई चीज याद करने के लिए टेबल बना लेते हैं, ओके, तो उन लोग ट्राई किए थे, और उस जगह पे बहुत सारे साइंटिस्ट इन्वॉल्व हुए थे, जो जो साइंटिस्ट का नाम एनसीईआरटी बुक में दिया है, पहले जो 10th क्लास में तुम लोग पढ़े थे, दैट इज द डोबेनियर, जॉन डोबेनियर इन 1800 वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट। डोबेनियर में जो तीन तीन एलिमेंट्स के बारे में बताया गया था, ट्राइड्स, 7+39 दैट इज 46, 46/2 दैट इज 23, ये जो एंड एलिमेंट्स का जो एवरेज है, मिडिल एलिमेंट होगी, कैल्शियम, ट्रॉन्चियम, बेरियम, मतलब बनाया था, लेकिन ये वाला एग्जैक्टली एवरेज नहीं होता है स्ट्रॉन्चियम, ओके, लेकिन इसको तुम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आए थे वो थोड़ा बड़े नाम है, फ्रेंच जियोलॉजिस्ट ए ई बी डी चैंकोटिस इन 1862, ही अरेंज द them elements in order of increasing atomic weights and made a cylindrical table of elements to displace the periodic recurrence of properties. ये कौन सा है? Cylindrical table, scientist का नाम था। इसके बाद आया था Newlands, जो यहाँ पे देखोगे John Alexander Newlands, law of octaves दिया था, जो तुम लोग 10th class में भी study किए थे, लेकिन इसमें से देखो ध्यान रखोगे, law of octaves was true for up to calcium, और देखो इसी इन्वेंशन के वजह से ही वॉज लेटर अवॉर्डेड डाबी मेडल इन 1887 बाय रॉयल साइंस लंदन, ओके। उसके बाद मेंडेलीफ आए, मेंडेलीफ के साथ साथ और एक साइंटिस्ट था लोथर मियर, दोनों ने इंडिपेंडेंटली काम किया था, लेकिन दोनों का जो काम नियर अबाउट सेम था। लोथर मियर के अंडर में देखो जो जो प्रॉपर्टीज उसने यूज किया था, वो था फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंडर में एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अगेंस्ट द एटॉमिक वेट्स, मतलब एटॉमिक वेट्स बढ़ रहे हैं तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट में क्या क्या चेंज आ रहे हैं, ओके। तो अभी देखें कि बाय 1868 लोथर मियर हैड डेवलप्ड अ टेबल ऑफ, उसका देखो नेक्स्ट पेज में, एलिमेंट्स, पॉज हो गया, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रुक रुक के जा रहा, केमिस्ट्री है ना, और अच्छा है, बार बार आएगा तो बोर हो जाए, आ गया ना, बस ऐसे ही होगा, केमिस्ट्री में भी हम लोग का ऐसा होता है, कोई साइंटिस्ट का नाम भूल जाता है फिर आ जाता है, ठीक है ना, अच्छा कोई बात नहीं। तो हाउएवर हिज वर्क वॉज नॉट पब्लिश अंटिल आफ्टर द वर्क ऑफ डिमिट्री मेंडेलीफ, the scientists who generally credited with the development of modern periodic table, okay, ye sare scientists ke bare mein hai, abhi hum log details mein padhenge mendeleev ne kya kiya tha, mendeleev scientist ne uska matlab contribution kya tha, mendeleev periodic table kaise bana tha, kon kon elements ke hisab se bane the, to first page and second page humne bata diya, theek hai beta।